हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस टाइम चैनल। सक्सेस टाइम चैनल आपन समस्त स्वागत। तो आज हम डिस्कशन करेंगे असिस्टेंट सेक्शन अफसर अपकमिंग एग्जाम हाईकोर्ट असिस्टेंट सेक्शन अफसर किसी मैथ्र एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ओके, एंड तागुरु डिस्कशन करने आगे गोटे जिनस मुझे क्लीयर करदे चाहूँगी कि जो मैंने मो पा कमेंट आस सर एग्जाम हाईकोर्ट सेक्शन अफसर फेब्रुवरी हो तो यहाँ मन रू का दिखाँ कि फेब्रुवरी कभी एग्जाम हम के फेब्रुवरी चान्स ही ना एग्जाम हाँपी। ओके, जो मैंने आपको मिसगैडिंग करूँ भूल जिन फेब्रुवरी के एग्जाम हेनी अननेसेसरी। ओके, तो से आप ध्यान दिंतु एंड असिस्टेंट सेक्शन अफिसर एमती एग्जाम जे आपको भावतुन कि छोटे एग्जाम आपड़ जाए एग्जाम क्लीयर करदेवे से नुह एथर पैटर्न मुझे कौन चेंज हम 100% चेंज हम एंड से लेवल एग्जाम आसो आप भावे कि छोटो खाली आप बी सी डी देदेव अप्सन मारिक आसवे से जिन हाँ। ओके, दी तरह फेज एग्जाम हम आपको कंप्यूटर टेस्ट भावना दवा पड़ो तो जपर्यंत नोटिफिकेशन आसो तो सिलेबस तो आपको डायरेक्ट मिल जाव बट एक्सपेक्टेड सिलेबस कह गले मुझे जहाँ भी आपको करोची असिस्टेंट सेक्शन अफिसर्स 100% तादेर ही क्वेश्चन आसो ताठू बाहर आसवर चान्स ही ना एंड मो पढ़ा स्टाइल टी अलग। ओके, तो जो मैंने पेसेंस देकर रही पार्च तो ठीक कथा से भावुँ बहुत शीघ्र मुझे कोर्स कंप्लीट हो पारे बट कोर्स मुझे 100% कंप्लीट करी। ओके, भावनी मुझे कोर्स कंप्लीट करें एंड मो पढ़ा स्टाइल टी अलग 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 स्टाइल टी पढ़ाए। ओके, मुझे एमती पढ़ेगी कि आप खाली असिस्टेंट सेक्शन अफिसर नुहे आप सेक्रेटरी सेक्शन अफिसर आसे भी यही जिनस कम दब। ओके, यही भिडियो आपर कम दब यही अनलाइन कोर्स कम दब तो सेमती किसी ना कि केवल असिस्टेंट सेक्शन अफिसर पर अलग कोर्स एलग कोर्स से जिन भावे भूल। तो आज आम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखिए कि मैथ्र सेक्शन केमती क्वेश्चन आसपार कारण आरिथमेटिक्स सेक्शन भी आपको बहुत इंपोर्टेंट तो अलजेब्रे भी आपर अच्छी जियोमेट्री भी आपर अच्छी बट हाई लेवल आसे जस्ट नॉर्मल लेवल आसो जो आपर। ओके, बट पैटर्न जाना दरकार कि सब एग्जाम किसी किसी पैटर्न अलग थाए पैटर्न जाना दरकार कि हाँ ये पैटर्न को एंड क्वेश्चन को आपको कैसे शीघ्र एग्जाम करार अच्छे एंड हाईकोर्ट सेक्शन अफिसर को मीन जिके कौ लेवल पकेब तो से जिन आपको प्राक्टिस कराया दरकार। ओके, तो चाहिए आप सेल्फ स्टडी भी करेंगे किसी बड़ कथ नुएं सेल्फ स्टडी भी आपरेंगे बट जो मैंने अनलाइन कोर्स जॉइन करा चाहूँ सेक्शन अफिसर पर तो करेंगे सेमती किसी बाध्यता नहीं आपर। ओके, तो चलते बिना लेट कर सुरू करवा आम लेक्चर्स तो जो मैंने अनलाइन क्लास जॉइन करा चाहते से मतलब व्हाट्सअप करके कंप्लीट डिटेल अनलाइन कोर्स जॉइन करेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखा, देखो पैटर्न तो यही हिं आसो मुझे कहूँ आरिथमेटिक पैटर्न यही ही आस आठपे मडरेट आसपे बट आठ तो इजी लेवल आसवे। ओके, ये मन रखते हैं क्वेश्चन लेवल सल्व कर जानते आप बहुत पिला जो मैंने प्राक्ट अच्छा जो मैंने एसएससी जेल एक्जाम प्रिपेरेसन होते तो बहुत शीघ्र करदेवे बट जो मैंने हाईकोर्ट सेक्शन अफिसर कहीबन ये भाई पैटर्न आसे कि आठ मडरेट क्वेश्चन आसपार बट आम ये क्वेश्चन नहीं जा धीरे धीरे मडरेट उपरको मुव करा बट 99% चान्स यही टाइप क्वेश्चन आसपे हो पाए किसी लेवल मडरेट हो पाए बट यही लेवल क्वेश्चन आसो। फास्ट क्वेश्चन देखा, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 30% हायर देन द कॉस्ट प्राइस इफ ए ट्रेडर सेल्स द आर्टिकल्स अलाउंग 10% डिस्काउंट टू कस्टमर्स देन द गेन परसेंटेज विल बी हाउ मच। क्वेश्चन आम कौन पचार क्वेश्चन देती कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 30% हायर देन कॉस्ट प्राइस गोटे आर्टिकल मार्क प्राइस तार कॉस्ट प्राइस रु 30% अधिक। ओके, तो सिंपल जिनस किसी आपत ही करेंगे आपको रेशियो मेथड करेंगे मुझे रेशियो मेथड भी बताइए बट एक्चुअली आमको रेशियो मेथड दरकार नहीं आम डायरेक्ट एटी कॉस्ट प्राइस को कौन अज्यूम करिवो कॉस्ट प्राइस को अज्यूम करेंगे 100 rupees। ओके, सी कौन कौन कही मार्क प्राइस आम के ना 100 कॉस्ट प्राइस 30% एक्स्ट्रा दैट इज 130 rupees। ओके, कॉस्ट प्राइस 30% एक्स्ट्रा मीन 130 rupees हम तापर कौन कही इफ ए ट्रेडर सेल्स द आर्टिकल अलाउंग 10% डिस्काउंट्स। ओके, सी कौन कही मार्क प्राइस तो तार 130 rupees एंड एथेर कौन 10% डिस्काउंट सी कौन कर सेल कर कस्टमर को सेल कर 10% वैल्यू मीन 1/10 ताने जो मार्क प्राइस मोर 10 ratio हे तो डिस्काउंट हो तो सेलिंग प्राइस मोर के 9 ratio हे हम ना हेनी तो मत जस्ट कहतु कि 10 वैल्यू आपको कितने गिविन अच्छी 130 rupees 10 वैल्यू रेसीो आम नहीं 10 ratio तो रेसीो वैल्यू 130 rupees मीन्स के गुणा है 13 गुणा है तो आर ए 13 गुणा आम करदे के 10 नुआ के 117। ओके, 117 हूँ आर सेलिंग प्राइस बुझीगला कॉस्ट प्राइस है तार के 100 rupees सेलिंग प्राइस मिला मोर 117 rupees सी पचार प्रॉफिट के हम तो जस्ट कहतु प्रॉफिट कत हो 17 rupees परसेंटेज पचारे परसेंटेज पचारे भी ये परसेंटेज पचारे तो 17 rupees प्रॉफिट हो प्रॉफिट ऑलवेज आम काउंट करू कॉस्ट प्राइस तो कॉस्ट प्राइस 100 rupees into 100
ओके तो जो मैंने बेसिक जानी थे आराम इज भी करदे पारे ये किसी बड़ डिस्काउंट ना ओके तो दिस इज द आंसर बुझेगा। तो नेक्स्ट मेथड टू हूँ आप सक्सेसिव परसेंटेज जानते हैं कमी ना एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100 ओके जदि आप सेम आर्टिकल हो ओके जदि सेम आर्टिकल को सी सेल कर कि सेम आर्टिकल भितर जब किसी एपर्सपट हो तो आम सक्सेसिव लगे आम नुह कि गोटे कस्ट पाई चौंकि जनकर कस्ट पाई 100 टाँग सी बिकुच 10% प्रफिट्र प्रफिट्रे आज जन कस्ट पाई चौंकि 500 टाँग सी बिकुच 20% प्रफिट एटी आम एक्सप्लस वाई लगे पार्बानी कारण डिफरेन्ट डिफरेन्ट तरह जब सेम आर्टिकल होते आम लगे पार बट ये कौन कही द मार्क प्राइस अपन आर्टिकल इज 30% हायर देन द कस्ट प्राइस इफ ए ट्रेडर सेल द आर्टिकल्स मीन आर्टिकल सेम आर्टिकल भी सी डिस्कसन करते ओके आम सक्सेसिव लगे पार तो फास्ट हूँ 13% हायर हाई मीन हायर रेट मीन गेन हो 13% हायर मीन आम प्लस तो दैट इज 13 नेक्स्ट हूँ 10% डिस्काउंट डिस्काउंट को आम माइनस करूँ -10 जो मैंने सक्सेसिव पढ़ते हैं जानदेवे तपर माइनस के माइनस रही कारण गोटे हूँ माइनस गोटे प्लस दैट इज 300 30 × 10/100 एक्स वाई बाय 100 30 × 10/100 तो मजे जस्ट कहूँ ये कहते हम 20 rupees ये के 3 rupees 20 - 3 के 17 rupees ओवरअल प्रफिट हूँ अप्सन ए हूँ 17 दुटा मेथड आप करेंगे आर रेसीओ मेथड मेथड टू मुझे कहूँ मेथड थ्री मेथड थ्री भी सेम जिनस किसी असुविधा ना देखो 30% हायर रेट मीन मुझे जो मैंने अनलाइन क्लास जॉइन करते हैं 30% मीन 3/10 30% जदि कॉस्ट प्राइस मोर 10 rupees हम तो सेलिंग प्राइस मोर के 13 rupees हो सॉरी ये मार्क प्राइस अपन आर्टिकल सॉरी माय मिस्टेक ओके जदि मोर सेलिंग प्राइस सॉरी जदि मोर कॉस्ट प्राइस 10 हम तो मार्क प्राइस के मार्क प्राइस अपन आर्टिकल 30% हायर देन द कॉस्ट प्राइस दैट इज 13 rupees मोर के 10 rupees है कॉस्ट प्राइस जदि 10 rupees मोर कॉस्ट प्राइस है मार्क प्राइस मोर के मार्क प्राइस है 13 rupees कारण 30% एक्स्ट्रा चलो तपर कौन कही इफ द ट्रेडर सेल द आर्टिकल आट 10% डिस्काउंट 10% डिस्काउंट मीन 1/10 10% हूँ 1/10 जदि मार्क प्राइस मोर 10 है तो मोर सेलिंग प्राइस के 9 हम जदि मोर मार्क प्राइस 10 है सेलिंग प्राइस मोर के 9 हम जस्ट ये करूँ बट ये मोर देखु गोटे आम ये कम कर देखो ये मार्क प्राइस 13 ये मार्क प्राइस 10 बट हमको मार्क प्राइस तो सेम करा पड़ो ना मार्क प्राइस तो जाले सेम करा पड़ो कारण मार्क प्राइस तो गोटे सेम आर्टिकल विषय में कौन मीन आर्टिकल मार्क प्राइस तो सेम थी ना तो मार्क प्राइस के चेंज हमें तो मार्क प्राइस जब चेंज करवा यू 10 से मल्टीप्लाई कर दूसरी आपको मुझे 13 मल्टीप्लाई कर दूसरी ओके तो मन रखा आपको जब 10 से मल्टीप्लाई कली आपको भी 10 से मल्टीप्लाई करी आपको जब 13 मल्टीप्लाई कली आपको भी 13 मल्टीप्लाई करी तो मोर हो 100 rupees ये 130 rupees ये मार्क प्राइस 130 rupees बट ये सेलिंग प्राइस हो 117 rupees देखो 130 rupees 130 सेम हो गला तो कॉस्ट प्राइस 100 rupees सेलिंग प्राइस 117 rupees तो प्रॉफिट के 17% मेथड टू मेथड थ्री तीन टा मेथड क्वेश्चन करेंगे आप इच्छा आप जो मेथड अप्लाई करेंगे नो इश्यू आप जो मेथड अप्लाई करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए वॉच डीलर पेज 10% कस्टम ड्यूटी ऑन ए वॉच व्हिच कॉस्ट RS 500 अप्रूव ही डिजायर्स टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 25% टू द बायर द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज हाउ मच चलो फास्ट आप ट्राए करूँ ओके सॉरी तो कते जन क्वेश्चन को सॉल्व कर पारे ओके जो मैंने करना क्वेश्चन को देखो ध्यान दे देखु कही वॉच डीलर पेज 10% कस्टम ड्यूटी ऑन ए वॉच व्हिच कॉस्ट RS 500 अब्रोड मीन से कही जो वॉचटा अब्रोड्रे 500 rupees पड़ू आब्रोज्रे अब्रोड्रे प्राइस हो 500 rupees ओके मुझे अब्रोड मार्क प्राइस लिख दूँ ए एम ओके आरिथमेटिक मीन भावी अब्रोड मार्क प्राइस ओके ए वॉच डीलर पेज 10% कस्टम ड्यूटी तो सपोज अमेरिका है 500 rupees तो इंडिया में कौन हम सहीटा से कही वॉच डीलर पेज 10% कस्टम ड्यूटी ऑन ए वॉच व्हिच कॉस्ट RS 500 अब्रोड ओके तो कौन कहला 10% कस्टम ड्यूटी दे 10% कस्टम ड्यूटी दे मीन टोटाल दे 550 rupees ओके 550 वॉच डीलर पेज कला 550 rupees क्योंकि 10% कस्टम ड्यूटी दे जोटा इंडिया को आसला से देखो कॉस्ट प्राइस है 500 rupees बट इंडिया को आसला से 550 rupees मानतु कारण कस्टम ड्यूटी भी आपको लगी जाए बाहर देश किसी आसे कस्टम ड्यूटी लगे से कही He desires to make a profit of 20% after giving a discount of 25% to the buyer.
ओके सी कौन कही ही डिजायर्स टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20% से 20% प्रॉफिट करिया चाहूँ बट आफ्टर ए गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 20% टू द बायर ओके डिस्काउंट दे सला परे सपोज मान लो इंडिया रे एटा होची मार्क प्राइस ओके देन पछि तो मार्क प्राइस शुड बी हाउ मच ओके द मार्क प्राइस केत हो ठीक अच्छे एटा होची तार कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस पछि छपर जे एटा होची कॉस्ट प्राइस ओके एटा होची तार कॉस्ट प्राइस काई कॉस्ट प्राइस ना 500 rupees ताकू तो अब्रोड पड़ूगा बट सी 10% कस्टम ड्यूटी देला बट इंडिया रे हेगला 550 rupees दैट इज द कॉस्ट प्राइस एमती आप बुझीपारे सी कही ही डिजायर्स टू मेक अफ 20% आदि से 20 देखते कॉस्ट प्राइस है 550 rupees बुझा चेस्ट करते कॉस्ट प्राइस है 550 rupees ओके 20% rupees प्रॉफिट कर चाहूँगी ओके 550 तो मत कौन 20% वैल्यू के 1/5 जदि मोर कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस मोर के 6 rupees एंड 5 रो वैल्यू मोर के 550 rupees 5 रो वैल्यू 550 rupees तो 6 रो वैल्यू के देखते 660 rupees 660 rupees मोर कौन हो सेलिंग प्राइस ओके सेलिंग प्राइस 660 rupees आ मैंने सेलिंग प्राइस जो 660 rupees हो गला सी कह आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 20% तो मार्क प्राइस के मार्क प्राइस के ओके जो सेलिंग प्राइस देखते कौन कही 25% डिस्काउंट 25% मीन 1/4 अगर मोर मार्क प्राइस 4 तो सेलिंग प्राइस मोर के 3 सेलिंग प्राइस ऑब्वियसली मोर 3 हम कारण 25% डिस्काउंट दूँ एंड ये है सेलिंग प्राइस तो सेलिंग प्राइस वैल्यू आम के 660 बुझा चेस्टा करूँ 660 तो 4 वैल्यू आमको पचारे 220 times तो आपको भी 220 times करदे 8 rupees ओके आंसर के ऑप्शन सी के जन क्वेश्चन से जल्दी करपारे आहरी स्पीड्रे हम ओके बुझेगा ये टाइप क्वेश्चन से आज सल्व करेंगे बहुत इजी क्वेश्चन से इजी सॉल्व हम एंड ये टाइप क्वेश्चन आसो जदि मीन लेवल हो पाए ये लेवल आउट हाई लेवल आसोनी आपत व्यस्त होते आउट हाई लेवल आसो ओके मुझे भी क्वेश्चन प्राक्ट सेसन आपको करेबी सफिसीयंट हो क्वेश्चन एंड जदि अनलाइन क्लास जॉइन कराया चाहते जल्दी जॉइन करूँ आम कोर्स को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो सॉरी वन सेकेंड थोड़ा वाटर पीले देखिए एक जन केते जने क्वेश्चंस करिए सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चंस ऑनलाइन क्लास में आपको सॉल्व करछि ए मैन इन्वेस्टेड आरएस 5000 एट सम रेट एट सिंपल इंटरेस्ट एंड आरएस 4000 एट 1% हायर रेट एट इंटरेस्ट सॉरी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट इन बोथ द केस आफ्टर 4 इयर्स इज सेम द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द फॉर्मर केस इज हाउ मच देखिए केते जने को क्वेश्चंस को सॉल्व करिए यदि क्वेश्चंस को सॉल्व कर देले वो जानी आप सही दिशा आप फॉलो कर बहुत शीघ्र आपंकर सिलेक्शन हम चलते सी कह मैन इन्वेस्टेड आरएस 5000 आट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आपड़ जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट हूँ सब इयर सेम था ये जो बेसिक फंड आप जानते सब इयर सिंपल इंटरेस्ट सेम था मीन सिंपल इंटरेस्ट के चेंज हुए चेंज हुए कि कभी भी चेंज हुए कंपाउंड इंटरेस्ट है चेंज होता था कारण इंटरेस्ट अपन इंटरेस्ट लगे बट सिंपल इंटरेस्ट हर एक इयर सेम होता है जस्ट मुझे कह मु किसी प्रिंसिपल रखिली पी रुपीस 4 years पाई टाइम पीरियड हूँ 4 years पाई सी अमाउंट हो गला सपोज पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो सपोज अमाउंट हो गला तो जस्ट मत कहतु एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट मु कहली 10% पर आनम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहली मु 10% पर आनम तो पी जिते फास्ट इयर जी मीनस पी जिते मीनस पी हो गला जिते अमाउंट दब ए वन मान लो मान लियो कि ए वन अमाउंट दब ए फास्ट इयर के परसेंट इंटरेस्ट लगे 10% लगे पुणी ए वन रू जब ए टू अमाउंट दब सेकेंड इयर तथा 10% ये लगे कारण सिंपल इंटरेस्ट सेम था सिमिलरली 4 years के परसेंट टोटाल लगे 40% तो आम कमी कैलकुलेट करूँ आम समस्त 10% कैलकुलेट नक आम पी रेक्ट जो 40% बाहर करदेव तो आमको इंटरेस्ट मिल जाए यह बेसिक फंड आप जानते सेम जिन आम ये अप्लाई करवा देखो से कहते हैं मैन इन्वेस्टेड 5000 एट सम रेट सपोज इनिशियली रेट ऑफ इंटरेस्ट आमको आर परसेंट ओके सेकेंड रे कौन कही 1% एक्स्ट्रा आर प्लस 1% इंटरेस्ट सी दौर बट के इयर जाए दौर 4 years जाए दौर तो 4 years मीनस फास्ट इंटरेस्ट जो जो इंटरेस्ट आप प्रिंसिपल 5000 से इंटरेस्ट के 4 R% एंड ये के 4 R+1% हो नईव जस्ट आमको कौन कही इंटरेस्ट से सेम जस्ट मत कहतु 4 R% इंटरेस्ट होते 5000 दैट इज 5000 इंटू मुझे डायरेक्ट 84% बाहर करदेवी डायरेक्ट 84% बाहर करदे तो 100 कट जो मो पा रहा है 200 R मीनस एटी इंटरेस्ट आस 200 R rupees ये मन रखा सेकेंड इंटरेस्ट के 4 R+400
4R+4/100 केतेर प्रिंसिपाल 4000 रि देखो प्रिंसिपाल चेंज अच्छे 4000 तो ये 100 कटिज मो पा रही है कते ना 160R+160 रही 160R+160 ये सीम्पल टेस्ट आसला ये तो दिज इक्वाल तो 200R=160R+160 हो तो 40R भैल्यू मो पाखे केसला 160 rupees तो आर भैल्यू मो पाखे के 4% जोटा ऑप्शन ए हिसाब करें किसी हाल लेबुल लेंदी लेबुल थी नहीं तो आप पीटीआर बाय 100 भी अप्लाई करेंगे किसी असुविधा ना बट सेम जिन आसवि प्रिंसिपाल कौन जरूरत ही ना आमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पचार प्रिंसिपाल कहीं ना जहाँ प्रिंसिपाल ना आम ये डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आंसर बाहर करदेव बुझेगा ये टाइप क्वेश्चन आप सल्व करते क्वेश्चन जिते प्राक्ट करेंगे से आपको बढ़ो मीनस आपंकर ईए आकुरेसी करेक्ट हे ए मैन डिवाइडेड हिज शेयर्स बिटवीन हिज सन्स ए एंड बी इन सच ए दैट द इंटरेस्ट रिसीव्ड ए आट 15% पर एनम फॉर 3 years इज डबल द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बी आट 12% पर एनम फॉर 5 years इन व्हाट रेशियो इज द शेयर डिवाइडेड देखो मुझे ना किसी करना ना जस्ट प्रिंसिपाल निटी प्रिंसिपाल किसी 100 मानने दरकार नहीं बहुत पिला 100 मानती ना प्रिंसिपाल सपोज फास्ट प्रिंसिपाल आम कौन कही शेयर डिवाइड करवा मीनस प्रिंसिपाल को सपोज फास्ट प्रिंसिपाल P1 सेकेंड प्रिंसिपाल P2 ओके फास्ट प्रिंसिपाल P1 इन्वेस्ट कर सेकेंड जो सेकेंड स्कीम्रे बी स्कीम्रे से डिवाइड कर पी रे ओके मीन से P1 शेयर मिले या P2 शेयर मिले एमती भावत ओके मीनस ए जो शेयर पाई सी हूँ P1 शेयर बी जो शेयर पाई से P2 शेयर बुझेगा कौन पढ़ा वे दैट द इंटरेस्ट रिसीव बाय ए एट 15% पर एनम इज 3 years पर इयर 15% पर एनम 3 years टोटाल 45% पाइबना नहीं इज डबल द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बी 12% पर एनम फॉर 5 years 5 years मीनस ये 16% पाइब इंटरेस्ट पाइब 16% ऑफ P2 इंटरेस्ट पाइब ये 45% ऑफ P1 सी कहे दिस इज इक्वल टू डबल आर डबल ओके डबल द कार डबल द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बी सॉरी डबल द रिसीव्ड बाय बी आर 12% पर एनम 5 years नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन क्वेश्चन सॉल्व होगा 45% इज आपको लिख पारे 45 P1 बुझेगा इक्वाल टू ये जीव के 120 P2 बुझेगा ना ना जस्ट काटि दिखु 5 9 P1 5 24 P2 बुझेगा तो 3 3 P1 3 8 P2 बुझेगा ना ना तो P1:P2 रेसीो मुझे पचारे P1:P2 दैट इज 8:3 ऑप्शन डी हूँ करेक्ट आंसर किसी लेंदी क्वेश्चन था किसी लेंदी क्वेश्चन था जस्ट एमती ही अप्लाई करेंगे किसी असुविधा ना बहुत इजिली बाहर जीव चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को मुव करियो इफ ए सम ऑफ मनी आर एस 20,000 अमाउंट्स टू 266,200 इन 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत इजी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन देखते कमी आम सल्व करेंगे सी कह प्रिंसिपाल किसी आम प्रिंसिपाल थी कैसे 200,000 एंड एटी अमाउंट के गला देखो 266,200 तो टाइम पीरियड के 3 years जिते बेले आम जानी कि टाइम पीरियड जिते 3 years दब आप फर्मुला अप्लाई करेंगे अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपाल प्लस इंटू 1+R/100 सेमती भी करेंगे बट मुझे अप्लाई करेनि कौ मैंने भी जो मैंने एक्जाम दिखती एक्जाम हल्ले एमती अप्लाई करते फर्मुला अप्लाई करते से डायरेक्ट देखती जब प्रिंसिपाल अमाउंट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट देते इयर 3 years से रूट क्यूब कर दिखाँ समस्त रूट क्यूब कर दिखाँ ओके रूट क्यूब करदे आपर इयर में बाहर पर इयर में प्रिंसिपाल थी अमाउंट केदी आम पर इयर बाहर करदे आमको रेट ऑफ इंटरेस्ट इजिली बाहर जीव तो आपको सॉल्व करने आगे गोटे काम करते जिते काटिपारे मैं डिलीट करदे फास्ट आम काट देखो काटे ये दुटा जीरो तो दुटा जीरो ये पलि एमती मो पाखे रही है कैसे 2000 ये रू 662 ओके ये रहा तो आउ थे आपको काट दिंतु ये दुई में काटिले 1000 ये दुई में काटिले के 1332 देखु यहाँ किए हूँ 10 Q जानते हैं यहाँ हूँ 11 Q मिलगला आंकर रूट क्यू कर जस्ट अच्छी किसी ना या रेसीो मुझे प्रिंसिपाल है 2000 अमाउंट है ये ओके या आम रेसीो नौ मन रखें सब रेसीो नौ तो ये 10:11 के मीनस प्रिंसिपाल जदि 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट मीनस प्रिंसिपाल जदि 10 तो अमाउंट होगा 11 तो कैसे इनक्रीज है 1 के 10 इंटु 100 के आंसर इंटु 100 करेंगे इंटु 100 के आंसर 10% बुझेगा ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर
जस्ट एमती करेंगे जस्ट आपड़ी आपको प्राक्टिस ना क्वेश्चन आउ फास्ट आपरि बहुत मेथड अच्छे आप करार सेमती खाली नहीं कि ये मेथड आपड़े बहुत मेथड ऑप्शन मेथड भी चेक करेंगे किसी असुविधा ना देखो ऑप्शन मेथड कमी करेंगे कारण ऑप्शन इजी अच्छी आम जानी कि आम ऑप्शन हो 10% 10% वैल्यू के 1/10 ओके जदि प्रिंसिपल 10 थी ओके तो अमाउंट के 11 ये हूँ पर ईयर इंटरेस्ट देती ना रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन पर ईयर आम कैलकुलेट करूँ तो इट इज 10 वैल्यू के देखो 10 वैल्यू के आप सॉरी ये हूँ 10 वैल्यू के गोटे सेकेंड एक सेकेंड अच्छा सॉरी सॉरी माय मिस्टेक मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के 10% मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मीन्स 10 वैल्यू के 11 फर्स्ट ईयर ये 3 years दे मन रखता तापर 10 वैल्यू के 11 तापर भी 10 वैल्यू के 11 ओके तो टोटल है 1000 ये हो के 1331 देखो सेम जिन आसा तो 1000 वैल्यू देती 1/3 वैल्यू जस्ट 2 मल्टीप्लाई करदे ओके 1000 वैल्यू दे 200,000 एंड 1/3 वैल्यू आप बाहर करेंगे 266,200 देखो आप ऑप्शन भी चेक करें ना सेमती भी डायरेक्ट करेंगे नो इश्यू लास्ट क्वेश्चन सही थी आउ दुटा क्वेश्चन तीन टा क्वेश्चन अच्छी तीन टा क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करिवा लास्ट क्वेश्चन आपको देवी निहाती करवाई चलो इफ ए सर्टन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली बिकम 4 times इन 6 years इन हाउ मेनी टाइम्स इट विल बिकम 256 times बहुत मजादार क्वेश्चन सॉल्व करिवा चलो देखिए कई जना क्वेश्चन सॉल्व करियो किसी फॉर्मूला यूज करियो नहीं से कौन कोई छी If a certain sum of money at the rate of interest compounded annually becomes 4 times in 6 years, देखो तो four times चलो इम्ती करिया मुझे 6 years कितने ही जाऊँ ची 4 times 6 years 4 times ही जाऊँ ची ओके तो मन्ना क्या तो जेते वाले टाइम पे क्वेश्चन ऐसे जो compounded interest कौन करीबे हमको कितने पहुँचाती 256 times ओके तो जस्ट मते कौन तू जदि मुझ 16 times करी 4 × 4 करी के 16 times यदि मुझ 16 times करी तो जस्ट मन रख था जदि ये 4 multiply कली ये से 6 को मुझे कौन करी जस्ट आड करी ये 6 को मुझे आड करी दैट इज 12 years 12 years के देखो 16 times 6 years 4 times तो 12 years आप 16 times बुझेगा बुझेगा तापर नेक्स्ट कौन करी जदि ये पुणी देखो जदि 60 फोर मल्टीप्लाई करी मो पाखे 64 times जदि 64 times ये कली ये पुणी 6 मुझे आड करी दैट इज ये एमती केमी होनलाइन क्लास पढ़े मीन पढ़े जो मैंने क्लास ने बुझेदेवी डायरेक्टली ये 60 18 years ओके नेक्स्ट जदि ये 4 multiply करी मत मिलूँ 256 times ओके 256 times जो 256 times है ये एटी मुझे आड करी 6 दैट इज 24 years ऑप्शन बी हूँ करेक्ट बुझेगा कि सल्व करती एत भी करियार ना आप जानते 4 को जब 64 मल्टीप्लाई करी ओके 64 मल्टीप्लाई करी मीन जदि आपड़ देखते सी कह 6 years कह सर्टन सम मनी एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड एंड आनुआली बिकम्स 4 times इन 6 years 6 years से अमाउंट मीन के अमाउंट 4 times 6 years 4 times ओके तो 16 times होगा बेलू 12 years लगे डबल हो 12 years लगे 16 times नेक्स्ट 64 times होगा 18 लगे देन 24 years 256 मीनस ये 4 to the power 4 कर मन रखता जदि आप एमती बुझीपारे मन रख दे 6 years जो एत भी करा चाहूना 6 years सी के 4 times ओके आमको के दरकार 256 times 256 हूँ 4 to the power 4 जदि ये 4 to the power 4 कले ये कौन करेंगे ना ये जो 4 अच्छी पावर जस्ट ये मल्टीप्लाई करदे 6 × 4 दैट इज 24 ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर बुझेगा चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मुव करेंगे आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नो इश्यू चलो द प्राइस ऑफ अ राइस हैज इंक्रीज्ड बाय 60% इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस द न्यू प्राइस मस्ट बी रिड्यूस्ड बाय बहुत इजी क्वेश्चन सी कौन कही द प्राइस ऑफ द राइस हैज इंक्रीज्ड बाय 60% सपोज मो इनिशियल प्राइस थी 100 rupees ना इंक्रीज होगा मो पाखे के 160 rupees ओके सी कह इन ऑर्डर टू रिस्ट ऑफ द ओरिजिनल प्राइस द न्यू प्राइस मस्ट बी रिड्यूस्ड देखो ओरिजिनाल प्राइस है 100 rupees न्यू प्राइस है 160 rupees सी कह ओरिजिनाल प्राइस आसापी आपको केूपीज कम करा पड़ो 60 rupees कम करा पड़ो के 160 into 100
ସିମ୍ପୁଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ, ବହୁତ ସିମ୍ପୁଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ, ସେ ହେଇଯିବ 1600 by 16। ଓକେ, ତ ଆକୁ କାଟିପାରିବେ ଚାରି ଗଲେ 150, ଚାରି ଗଲେ ଚାରି, ଦୁଇରେ ଯିବ 75, ଦୁଇରେ ଯିବ ଦୁଇ, ତ ହେଇଯିବ 37 1/2%। କେତେ ହେଇଯିବ? 37 1/2%। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ, କିଛି ମିନ୍ସ ଲେନ୍ଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକୁ ଏତେ ନ କରି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ଆର୍ ପରସେଣ୍ଟ ଡିଭାଇଡେଡ଼୍ ବାଇ 100+R ପରସେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟୁ 100, ବୁଝିଲା? ଡାଇରେକ୍ଟ ସଲ୍ଭ କରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓକେ, ଆର୍ ପରସେଣ୍ଟ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ଯେତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦେଇଛି, ଯଦି ଡିକ୍ରିଜ୍ ଦେଇଥାନ୍ତା ଏଠି ତଳେ ମାଇନସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଠି ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଯଦି ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦେଇଛି ଉପରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ 60R%, ତଳେ ହେଉଛି 100+60 ହେଇଯିବ 160 ଇଣ୍ଟୁ 100, ଦେଖନ୍ତୁ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆସିଲା। ଓକେ, ଯଦି ଏଠି କହିଥାନ୍ତା ଡିକ୍ରିଜ୍, ତ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା ଆପଣ 60/100 ମାଇନସ୍ 60 ହେଇଥାନ୍ତା 40 × 100, ତ ଆକୁ ସଲ୍ଭ କରିଥାନ୍ତେ ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତା 150%, 150% ହେଇଥାନ୍ତା, ଯାହା ବି ହେଇଥାନ୍ତା ଏଠି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଅପସନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ବୁଝିପାରିଲେ? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ, ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଦେଖିବା ଏଠୁ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଆପଣ ହୋମୱାର୍କ ନେଇକି ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଦ ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଇଜ୍ 5000, ବଟ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ଅଫର୍ ସର୍ଟନ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ଼, ମିଷ୍ଟର ଏକ୍ସ ଆଭେଲ୍ ଦିସ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ବଟ୍ ଦ ଆର୍ଟିକଲ ଆଟ୍ ଏ ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍, ହି ଦେନ୍ ସୋଲ୍ଡ ଇଟ୍ ଫର୍ 5000 ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ବାଇ ମେଡ୍ ଏ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଫ୍ 11 1/9%। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏଠୁ 11 1/9%, ଦ ପରସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଆଲାଉଡ଼୍ ୱାଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକୁ ମୁଁ ହୋମୱାର୍କ ଦେଲି, ଯଦି ଆକୁ କରେକ୍ଟଲି ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଥିବେ, ଆଉ ଇଏ ତ ବହୁତ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍, ସିଏ 30 seconds ଅନ୍ଦର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ନି ବୁଝିଦେବେ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ 1 minute ଟାଇମ୍ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ଲାଗିବ ସେସନ୍ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କମେଣ୍ଟ ନ ଆସିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେସନ୍ କରିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେସନ୍ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଟେସିରିଜ୍ ଓଏସ୍ର ଆଣ୍ଡ ଏଏସ୍ର ଟେସିରିଜ୍ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବି। ଟେସିରିଜ୍ ଉପରେ କାମ ଚାଲିଛି, କାରଣ ମୁଁ ଏମିତି ଟେସିରିଜ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲେ 75% to 80% ତା ଭିତରୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଏସବୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବି ଟେସିରିଜ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ ବହୁତ କରିବି, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହିଁ ଟେସିରିଜ୍ କରିବି, ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ଟେସିରିଜ୍ ଦେଇଦେବି। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ସକୁ ଆପଣ ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା, ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଣ୍ଟ ଦେଇଦେବି, ମୁଁ ହିଣ୍ଟ ଦେଇଦେଉଛି, ବଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବିନି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ, କହୁଛି ଦ ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଇଜ୍ ₹5000, ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲର ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଇଛି ଏଠି କେତେ 5000 ଦେଇଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲକିନି ବୁଝନ୍ତୁ, ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଇଛି 5000, ବୁଝିଲା? ସେ କହୁଛି ବଟ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ଅଫର୍ ଏ ସର୍ଟନ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଡିକ୍ଲାଇଡ଼, ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫର୍ ଅଛି, ଆ ଦେହରେ କିଛି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ତାକୁ ମିଳିଲା, ସରି, ଆ ଦେହରେ କିଛି ତାକୁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିଲା, ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମିଳିଲା, ସପୋଜ୍ କିଛି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିଲା। ମିଷ୍ଟର ଏକ୍ସ ଯିଏ ବି ଯାଇଥିଲା ଦୋକାନକୁ ପର୍ଚେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଭେଲ୍ ଦିସ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ଓକେ, ମିଷ୍ଟର ଏକ୍ସକୁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳିଲା, ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେଇକି ମିଷ୍ଟର ଏକ୍ସ କିଛି ବି କିଣିଲେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇସାରିଲା ପରେ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନେ, ସେଇଟା ଆମର ବାହାର କରି ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ବଟ୍ ଦ ଆର୍ଟିକଲ ଆଟ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ପ୍ରାଇସ୍, ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟିକଲ ସେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେଇସାରିଲା ପରେ, ମିନ୍ସ 5000 କିଛି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ମିଷ୍ଟର ଏକ୍ସ କିଣିଲେ ତାକୁ, ମିଷ୍ଟର ଏକ୍ସର ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଇଯିବ, ବଟ୍ ଦୋକାନଦାର ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଇଯିବ। ଏତିକି ତ ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଏତିକି ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିପାରିଲେ? ଫାଷ୍ଟ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଦିମାଗ ଆପଣ ଖଟେଇବେ କେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ତାପରେ ଦେଖିବେ। ସେ କହୁଛି ହି ଦେନ୍ ସୋଲ୍ଡ ଇଟ୍ ଆର୍ ଏସ୍ 5000 ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ବାଇ ମେଡ଼୍ ଏ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଫ୍ 11 1/9%। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି, ସେ କହିଛି ସିଏ କଲା ସେଲ୍ କଲା 5000 rupees, କିଛି ତ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ସିଏ ଆଣିଥିବ। ଓକେ, ଯେଉଁଟା ଦୋକାନଦାର ପାଇଁ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ସେଇଟା ତା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍, ତ ସିଏ କ'ଣ କଲା ସେଲିଂ କଲା, କିନ୍ତୁ 5000 rupees 5000 rupees ସେ ସେଲ୍ କଲା, ବଟ୍ 11 1/9% କ'ଣ ହେଲା ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଫିଟ୍ରେ ଗଲା। 11 1/9% କେତେ ନା 1/9, 11 1/9% ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି 1/9% ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଇଯିବ 100/900। ଓକେ, ବୁଝିଲା, 1/9 ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସବୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ 1/9। ଆ ମାନେ ସିଏ କ'ଣ କଲା ପ୍ରଫିଟ୍ କଲା ଏତିକିରେ ବିକିଲା, ମିନ୍ସ 9 rupees ସାମାନ ସିଏ 10 rupees ବିକିଲା, କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ସପୋଜ୍ 9 rupees, ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କଲା କିଏ 10 rupees, ବଟ୍ ଏଠି କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ସେଲ୍ କଲା କେତେ 5000 rupees କହିଛି, 5000 rupees ସେଲ୍ କଲା, ତ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେଲା 5000 rupees, ତ ଏଠି କେତେ ଗୁଣା ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 500 rupees ଗୁଣା ହେଇଗଲା, ତ ଏଠି 500 rupees ଗୁଣା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହେଲା କେତେ 4500 rupees, କେତେ ହେଲା 4500 rupees, ବୁଝିଲା 4500 rupees। ଆ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 4500 rupees, ମୋତେ ଜଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 4500 rupees ଇଏ କ'ଣ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ 4500 rupees, 4500 rupees କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍, ଆଣ୍ଡ ଯାହାର ହେଉଛି କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି କାହା ପାଇଁ ଏକ୍ସ ପାଇଁ, ବଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ 4500 ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ହେବ କାହା ପାଇଁ ଦୋକାନଦାର ପାଇଁ, ବଟ୍ ଦୋକାନଦାର ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହେଲା 5000 rupees,
ଆଉ ଦୋକାନଦାର ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ସିଏ କରିଛି 4500 rupees କେତେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେଇଛି 520 rupees ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ, କେତେରେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ମାର୍କ ପାଇସେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରାଯାଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 5000 rupees ଦେଇଛି ଇଣ୍ଟୁ କେତେ 100 rupees ତ 100 କାଟିଦିଅନ୍ତୁ, 5 କାଟିଯିବ 10 ଆଣ୍ଡ 10 ହେଇଯିବ 10, ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କେତେ 10%। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଇଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଲେନ୍ଦି କହୁଛି 30 seconds କୋଶ୍ଚିନ୍ସ, ଓକେ ମୁଁ କହୁଛି ମିନିମମ୍ 30 seconds ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି, ନହେଲେ ବହୁତ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆପଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହିଁ କରିଦେବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ, ଯେଉଁମାନେ କରେକ୍ଟଲି ବୁଝିପାରିଲେ ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କରିଦେବେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇଛି, ମିନିମମ୍ 10 questions ନେଲି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି, ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତିନି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି କରିବା, ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଏନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବଢ଼େଇବାର ଅଛି। ଓକେ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ, କିପ୍ ସେୟାରିଂ ୱିଥ୍ ୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।